Dear friends, good morning to all of you. Hi, this is Rajiv Kumar. Today, I am going to explain about the topic that is given in your history book, the circle of justice. That means the circle of justice, the perfect Hindi meaning of the circle of justice. That means न्याय का घेरा, मतलब ऐसा क्षेत्र विस्तार घिराव जो न्याय को प्रदान करता है. इसमें आज जानेंगे हम. That means फखरे मुदब्बिर रोट इन द 13th century. ही वॉज ए पर्सियन लिटरेटर. ही एक्सप्लेन द सर्कल ऑफ जस्टिस एज लाइक साइन ऑफ ग्रेट एम्पायर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ फखरे मुदब्बिर जो एक पर्सियन साहित्यकार, उन्होंने लिखा इसके बारे में. ही एक्सप्लेन, उन्होंने व्याख्या किया द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय का चक्र, न्याय का घेरा ऐसी व्यवस्था है एज लाइक साइन ऑफ ग्रेट एम्पायर, जो कि एक महान शासक के चमकीले भव्य रूप को प्रदर्शित करता है. कैसे? एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके प्रशासन की पद्धति को. अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग अ किंग कांट सर्वाइव विदाउट सोल्जर. उनकी सोच के अनुसार उन्होंने इसको व्याख्या करने के क्रम में यह बतलाया. अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग अ किंग कांट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. एक राजा जो उसका रक्षक सैनिक होता है, सैनिकों के बगैर जीवित नहीं रह सकता. उसके बाद एंड सोल्जर्स कांट लिव विदाउट सैलरीज. जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे की जरूरतमंद है, जैसे राजा सैनिकों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार सैनिक वेतन के बगैर जीवित नहीं रह सकते. दैट मीन्स द सोल्जर कांट विदाउट सैलरीज, द सोल्जर कांट लिव विदाउट सैलरीज. वे नहीं जी सकते, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते. सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड. और वो सैलरी आती कहाँ से है? दैट मीन्स वह जो राजस्व वसूले जाते हैं कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड. जो राजस्व को संग्रहित किए जाते हैं, उससे, उसी पैसे से उन सैनिकों की सैलरी को प्रदान किया जाता है. फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू वर्ल्डली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी. मतलब यहाँ कह रहा है कि वह राजस्व तभी आ सकता है, तभी असूला जा सकता है जब किसान, यात्री, फार्मर जो खुशहाल और समृद्ध होंगे. अब यहाँ हैप्पी. दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. दिस हैपेंस, यह तब संभव हो सकेगा व्हेन द किंग, जब एक राजा प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. यहाँ कह रहा है गवर्नेंस, दैट मीन्स शासन पद्धति का प्रक्रिया, शासन तरीका, तौर तरीका शासन करने का. तो व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट, मतलब जब एक राजा अपने राज्य में लागू करेगा न्याय और ईमानदारी को. यहाँ ईमानदारी की बात ऐसे आती है, दैट मीन्स द ऑल रेवेन्यू आर डिपेंडेड अपॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द लैंड. यहाँ पे यह निर्भर करता है कि जितना जमीन का हिस्सा होगा उसके अनुसार से, उसके क्वांटिटीज के अनुसार से राजस्व को वसूला जाना, राजस्व की वसूली किया जाना. दिस हैपेंस व्हेन द किंग, यह तभी संभव हो सकेगा व्हेन किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. अब वह उस तरीके से, उस तौर तरीके से यह पद्धति प्रक्रिया तभी अपनाई जा सकेगी जब उसमें एक ईमानदारी और एक न्याय की झलक दिखेगी, और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज दैट विल बी कलेक्टेड. यही तरीका, यही न्याय उन्होंने एक्सप्लेन किया. और ये आपको सर्किल, द सर्किल ऑफ जस्टिस कहलाता है. ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू.